हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता वंडर रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं लौकी का कोफ्ता, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है दोस्तों। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने कद्दूकस को घिस कर लिया है और घिस कर मैंने इसके पानी को निकाल दिया है। और यहाँ मैं हाफ़ बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, 1 स्पून के करीब बारीक कटी हुई धनिया मिर्च, 1 छोटी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और अदरक मैंने घिस कर लिया है। अब कद्दूकस किया हुआ कद्दू में मैं बेसन मिलाऊंगी। पहले हम थोड़ा थोड़ा ही बेसन मिलाएंगे, फिर इसमें मैं बारीक कटी हुई जो हमारी प्याज थी उसे डालेंगे। प्याज ऑप्शनल है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप डालें। बारीक कटा हुआ धनिया मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर डाला है। इसमें मैं 1/2 टीस्पून के करीब काली मिर्च पाउडर डालूँगी, 1/2 टीस्पून के करीब मैं जीरा पाउडर डालूँगी, और 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें धनिया पाउडर डालूँगी। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमारा ये कोफ्ता मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे यहाँ पे मैंने तेल गरम करके लिया है। अब हम अपने कोफ्ते को एक एक कर कर तेल के अंदर डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने सारे कोफ्ते को तेल में डाल दिया। हमें यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अगर हम फ्लेम को हाई रखेंगे तो हमारा कोफ्ता कच्चा ही रह जाएगा। हमें मीडियम फ्लेम पे इसे गोल्डन करना है। अब हम अपने कोफ्ते को उलट पलट कर कर सेक लेंगे दोनों साइड से। हमें कोफ्ता डालते ही तुरंत कोफ्ते को पलटना नहीं है, वरना हमारा कोफ्ता टूट जाएगा। इसका बेस एक बार हमें तेल में बनने देना है, उसके बाद हम इसे पलट कर फ्राई करेंगे। तो अब हमारा कोफ्ता गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में इसी तेल में जीरा डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी अदरक बारीक कटी हुई, और यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ डाला है। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। प्याज को हमें बिल्कुल डार्क गोल्डन ब्राउन करना है, प्याज हमारा कच्चा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्याज को हमें हाई फ्लेम पे ब्राउन करना है। बीच बीच में हमें प्याज को चलाते रहना है ताकि हमारा प्याज एक तरफ से जले ना। यहाँ पे मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा प्याज यहाँ पर भून कर तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट। मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच भरकर हल्दी डाल रही हूँ। मैं 2 बड़े चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून के करीब मैं काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून के करीब मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ। अब हमें इस मसाले को अच्छे से भूनना है। अभी मैं यहाँ पे 1 चम्मच भरकर कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। हम इसे मिक्स कर देंगे, इससे हमारे सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा कलर आता है। अब मैं यहीं पर मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का प्यूरी बनाया है। अब हम इसमें अपने प्यूरी को मिक्स करेंगे और अब हमें इसे इतना भूनना है जब तक हमारा मसाले से तेल ना छोड़ दे। हमें तब तक इसे फ्राई करना है। तो देखिए, हमारा मसाला तेल छोड़ने लग गया है। लगभग हमारा मसाला भूनकर तैयार है। अब हम इसे सिर्फ 4 से 5 सेकंड के लिए और भी भूनेंगे। तो देखिए, हमारा मसाला बिल्कुल भुन कर तैयार हो गया है। अब हम इसमें पानी मिक्स करेंगे।
पानी हमें अपने अकॉर्डिंग मिक्स करना है, जितना हमारा कोफ्ता है हम उसी हिसाब से पानी मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें ग्रेवी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो देखिए हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बस इतनी ही रहेगी, क्योंकि ये फिर ठंडा होने के बाद ठीक हो जाएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। अब यहीं पे मैं थोड़ा कसूरी मेथी डाल रही हूँ, यहाँ पे मैं हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। अब हम इसे मिक्स कर देंगे और अपनी ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे। तो देखिए हमारे ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब हम इसे एक एक करके इसके अंदर अपने कोफ्ते को डाल देंगे। तो देखिए हमारा कोफ्ता बनकर तैयार है। अब हम इसके ऊपर बारीक कटी हुई धनिया मिर्च डालेंगे, मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाला है। अब हम इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा कोफ्ता बनकर तैयार है। अब हम इसे धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे और ये हमारा कोफ्ता रेडी है। तो आप भी बनाएं, खाएं और हमें बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी हर रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलते हैं चलिए नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।